दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाइट्रेट की वैलेंसी की। NO2 माइनस नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है? वन। कितनी होती है? वैलेंसी होती है वन। और किसकी होती है? नाइट्रेट की। नाइट्रेट की वैलेंसी होती है वन। अब इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वो होता है सात। सात क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और साथ ही कितने होते हैं उसमें? इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन में कितने? सात इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन में कितने? आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो आठ एटॉमिक नंबर होता है और आठ ही कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके पहली सेल में दो तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और लास्ट बाहर वाली सेल में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके बाहर, इसके पहली वाली सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और लास्ट सेकंड वाली सेल में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसके पहली वाली सेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और बाहर वाली सेल में पांच इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। और ऑक्सीजन के पहली वाली सेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और लास्ट बाहर वाली सेल में छह इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तीन, चार, पांच, छह, ठीक है। अब ये नाइट्राइट, अब चूंकि नाइट्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पांच। एक, दो, तीन, चार और एक, पांच, ठीक है। और कितने हैं? दो ऑक्सीजन है नाइट्राइट। दो दो ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन को इधर लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो, वो छः, पांच और एक, छः। इसके भी बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? छः, ठीक है। अब ये नाइट्राइट, ये NO2 है, इसका एक वैलेंसी देखो। इसमें तो ये साझा कर लेगा, दो सह संयोजक बंध बना लेगा। तो इस ऑक्सीजन के तो बाहर वाली सेल में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दो दो चार, दो छः, दो आठ, ठीक है। और अभी इस नाइट्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छः और एक, सात। एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ये इससे साझा कर लेगा। ठीक है, ये इससे साझा ऐसे करके। अभी इस गोले में देखने जाएंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, इस नाइट्रोजन का पूरा हो गया। और अब इस ऑक्सीजन ने क्या रख करा है? इस नाइट्रोजन के इस वाले इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया। तो दो दो चार, पांच, छः और सात, इसके बाहर वाली सेल में सात ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। जैसे कंपाउंड पड़ा होगा HNO2, अगर ये HNO2 है, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक H पॉजिटिव निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकल जाएगा, H पॉजिटिव के रूप में ये अलग होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? NO2 एक निगेटिव, और ये निगेटिव कहाँ? यहाँ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ नाइट्राइट की वैलेंसी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।